हेलो गाइस, आज की इस वीडियो में मैं आपको सिखाऊंगा कि इस तरह की अमेजिंग फोटो एडिटिंग बटरफ्लाई वाली कैसे करें, वो भी येलो टोन में। तो बिना किसी देरी के इस वीडियो को हम लोग शुरू कर लेते हैं। तो सबसे पहले आपको क्या करना होगा, अपनी फोटो को यहाँ पे शेयर कर लेना होगा लाइट रूम ऐप में। सिंपली आपको यहाँ पे शेयर वाला आइकन पर जाकर अपनी फोटो को यहाँ पे लाइट रूम में शेयर कर लेना होगा। जैसे आप इसमें शेयर करते हैं गाइस, तो जैसे आपकी फोटो यहाँ पे लाइट रूम ऐप में आ जाती है, आप आने के बाद आपको करना क्या होगा, सिंपली आपको यहाँ पे एडिट वाले ऑप्शन में सिंपली चले जाना होगा। जैसे गाइज आप इस पर क्लिक करते हैं, आपको यहाँ पे एक लाइट का ऑप्शन मिलेगा, सिंपली आपको इस पर क्लिक कर लेते हैं। जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे गाइज, आपको क्या करना होगा, इसकी जो एक्सपोजर इसको यहाँ पे आपको 20 कर लेना होगा। यानी इतना करने के बाद गाइज आपको करना क्या होगा, 18 and 20, यानी यहाँ कॉन्टेस्ट को आप लोग इसको थोड़ा सा बढ़ा लेना होगा। तो कॉन्टेस्ट को थोड़ा सा हम लोग यहाँ पे बढ़ा लेंगे। देन इसके बाद हम लोग की जो हाईलाइट्स है इसको भी हम लोग क्या करेंगे, तो यहाँ पे इसको -100 कर लेंगे। तो गाइस इतना करने के बाद आपको करना क्या होगा, यहाँ पे आपको नीचे की साइड आना होगा। यहाँ पे आपको इसके शेडोज़ को क्या करना होगा, इसके शेडोज़ को हम लोग को प्लस कर लेंगे। एंड इसकी जो वाइटनिंग है इसको हम लोग क्या कर लेंगे, इसको माइनस कर देंगे। इतना हो जाने के बाद गाइस आपको इसके ब्लैक को भी यहाँ पे कम कर लेना होगा। इतना हो जाने के बाद आपको सिंपली आपको इसको कर लेना होगा यहाँ से डन। तो जैसे इतना कर लेते गाइस, आपकी बार आपको क्या करना होगा, यहाँ पे आपको इस पे चले जाना होगा। यहाँ पे एक ऑप्शन मिलेगा ये वाला। देन इस पे जाने के बाद कलर्स पे चले जाएंगे। कलर्स पे जाने के बाद गाइस आपको क्या करना होगा, नीचे की साइड जाके आपको यहाँ पे एक वाइब्रेंस का ऑप्शन मिलेगा, इसको हम लोग आपको क्या करना होगा, +30 कर लेना होगा। इतना हो जाने के बाद गाइस आपको करना क्या होगा, यहाँ पे आपको कलर मिक्स का एक ऑप्शन मिल जाएगा, यहाँ पे आपको इस पे सिंपली क्लिक कर लेना होगा। जैसे गाइस आप लोग इस पर क्लिक करते हैं, यहाँ पे आपको बहुत ढेर सारे ऑप्शन मिल जाएंगे यहाँ पे कलर्स के। आपको सिंपली करना क्या होगा, यहाँ पे आपको जो पहले यहाँ पे ब्लू कलर है इस पर सिंपली चले जाएंगे। जैसे इस पर चले जाते हैं, इसकी सेचुरेशन को आपको क्या करना होगा, -100 कर लेना होगा। स्काई ब्लू वाले भी -100 कर लेंगे सेचुरेशन। देन यहाँ पे ग्रीन के भी -100 एंड येलो का भी यहाँ पे -100 कर लेंगे। गाइस इतना हो जाने के बाद आपको आपके पास करना क्या होगा, यहाँ पे इतना हो जाने के बाद आपको यहाँ पे एक ऑप्शन मिलेगा, यहाँ पे ये ऑरेंज वाला, ऑरेंज कलर पे सिंपली आपको जैसे चले जाएंगे गाइस, ऑरेंज कलर पे जाने के बाद आपको करना क्या होगा, यहाँ पे आपको क्या करना होगा, इसकी सेचुरेशन को आपको यहाँ पे -15 कर लेना होगा। देन इसकी जो ल्यूमिनेंस है इसको आपको थोड़ा सा यहाँ पे बढ़ा लेना होगा, +35 कर लेंगे। इतना हो जाने के बाद गाइस यहाँ पे इसको कर लेना होगा डन। इतना हो जाने के बाद जैसे आप लोग इतना डन कर लेते हैं गाइस, आपको यहाँ पे डन पे क्लिक कर लेना होगा। डन पे क्लिक करने के बाद गाइस आपको क्या करना होगा, यहाँ पे आपको इस वाले ऑप्शन पे चले जाना होगा। यहाँ पे आपको इसकी जो यहाँ पे टेक्सचर है, टेक्सचर को आपको क्या करना होगा, +30 कर लेंगे। 30 हो जाने के बाद गाइस आपको क्या करना होगा, इसकी जो यहाँ पे देख सकते हैं क्लैरिटी जो हमने बताया था, क्लैरिटी को यहाँ पे आपको -12 कर लेना होगा। इतना हो जाने के बाद गाइस आपको कुछ करना नहीं है, तो यहाँ पे सिंपली इसको कर लेना होगा डन। जैसे गाइस आप लोग इतना करते हैं, यहाँ पे आपको ऊपर साइड एक ऑप्शन मिलेगा, यहाँ पे इस पर सिंपली आपको क्लिक करके डॉट वाले ऑप्शन पे यहाँ पे सेव कर लेंगे, यहाँ पे कॉपी टू डिवाइस। जैसे ही आप इतना हो जाते हैं गाइस, आपको क्या करना होगा, अपनी बार फोटो को अपनी पिक्चर ऐप में शेयर कर लेना होगा। सो गाइस जैसे ही देख सकते हैं आपकी फोटो यहाँ पे पिक्चर ऐप में आ जाती है। आने के बाद गाइस आपको करना क्या होगा, सबसे पहले आपको यहाँ पे टूल्स वाले आइकन पे चले जाना होगा। जैसे आप इस पर क्लिक करते हैं गाइस, आपको यहाँ पे कर्व्स पे सिंपली क्लिक कर लेना होगा। जैसे आप इस पर कर्व्स पे जाते हैं गाइस, आपको यहाँ पे एक ये वाला कलर मिल जाएगा। कलर पर आप लोग सिंपली क्लिक करके यहाँ पे रेड कलर को यहाँ पे सेलेक्ट कर लेंगे। देन यहाँ पे राइट साइड का यहाँ पे आपको ऊपर साइड एक सर्कल दिख रहा होगा, जैसे ये है, इसको आपको सिंपली आपको खींचते हुए नीचे लेके चले जाना है। जैसे आप गाइस इतना ले जाते हैं, आपको यहाँ पे सिंपली आपको इरेज वाले आइकन पे चले जाना होगा। जैसे आप इस पर टच करते हैं, टच करने के बाद गाइस आपको क्या करना होगा, यहाँ पे आपको बहुत से ऑप्शन मिल जाएंगे। आपको सिंपली यहाँ पे एक पर्सन का ऑप्शन दिखाई देगा, इस पर सिंपली क्लिक कर लेना होगा। देन आपको करना क्या होगा, आप यहाँ पे आपको इन्वर्ट पे क्लिक कर लेंगे। जैसे आप इस पर क्लिक करते हैं तो यहाँ पे देख सकते हैं हमारा जो कलर्स है वो क्या है, बैकग्राउंड पे हमारे अप्लाई हो चुके हैं। और जहाँ जहाँ भी फेस पे अगर आपके गलती से आ गया यहाँ पे कलर, तो सिंपली आपको इरेज वाले आइकन पे चले जाके इसको थोड़ा सा यहाँ पे इरेज से अपने हिसाब से यहाँ पे इसको एडजस्ट करके कर लेंगे। देन जैसे ही गाइस इतना हो जाता है, आपको क्या करना होगा, सिंपली इसको कर लेना होगा यहाँ से डन। जैसे गाइस आप लोग इतना करते हैं, फिर से यहाँ पे अगेन इसको डन कर लेंगे। डन करने के बाद गाइस क्या करना होगा, आपको अगेन यहाँ पे टूल्स वाले आइकन पे चले जाना होगा। आपकी बार आपको क्या करना होगा, यहाँ पे एडजस्ट पे सिंपली चले जाएंगे। जैसे गाइस आप लोग इस पर क्लिक करते हैं, आपको क्या करना होगा, पहले जो सबसे पहले इसकी सेचुरेशन को आपको यहाँ पे बढ़ा लेना होगा। सेचुरेशन को बढ़ाने के बाद इसकी जो हुई है इसको आपको इसको भी थोड़ा सा यहाँ पे बढ़ा लेना होगा। इतना हो जाने के बाद गाइस करना क्या होगा, इसकी जो ब्राइटनेस है, ब्राइटनेस को आपको क्या करना होगा, ब्राइटनेस को आपको थोड़ा सा यहाँ पे माइनस करना होगा। देन इसकी जो शेडोज है, शेडोज़ को आपको क्या करना होगा गाइस, यहाँ पे शेडोज़ को प्लस कर लेना होगा। और प्लस करने के बाद इसकी जो हाइलाइट्स है गाइस, आपको हाइलाइट्स को भी यहाँ पे कर लेना होगा प्लस। देन इतना हो जाने के बाद गाइस सिंपली आपको यहाँ से भी इसको कर लेना होगा डन। जैसे गाइस आप लोग इतना कर लेते हैं, आपको करना क्या होगा, आप देख सकते हैं नीचे की साइड एक ऑप्शन मिल जाएगा यहाँ पे स्टिकर वाला। सिंपली आपको इस पर स्टिकर वाले आइकन पर चले जाएंगे। देन यहाँ पर आपको सर्च करना होगा बटरफ्लाई ग्लो। सो गाइस जैसे आप लोग देख सकते हैं बटरफ्लाई ग्लो पे हम लोग क्लिक करते हैं, आपको यहाँ पे ढेर सारे यहाँ पे बटरफ्लाइज मिल जाएंगी। आपको जो भी बटरफ्लाई यहाँ पे सही लगी वो आप यहाँ पे इसको
ले सकते हैं। देन आपको यहाँ पे रोटेट कर लेना होगा, इसको रोटेट करने के बाद कुछ इस टाइप से लेके जाना होगा। देन यहाँ पे आपको इसको एडजस्ट पे जाके क्यूई पे जाके इसको कर लेना होगा ब्लू कलर। ब्लू कलर गाइज इतना करने के बाद आपको क्या करना होगा, इसको कुछ इस टाइप से यहाँ पे एडजस्ट कर लेंगे। एडजस्ट करने के बाद गाइज आपको क्या करना होगा, सिविल पहले इसको डन कर लेंगे। डन करने के बाद इसकी जो ब्लेंडिंग है, ब्लेंडिंग पे जाने के बाद इसको कर लेना होगा आपको स्क्रीन। स्क्रीन करने के बाद गाइज कुछ इस टाइप से इसको यहाँ पे एडजस्ट करके यहाँ पे लगा लेना होगा। देन इसका एक डुप्लीकेट बना लेंगे। डुप्लीकेट बनाने के बाद आपको क्या करना होगा, आप इसको यहाँ पे रोटेट करके एक को इस साइड लगा लेना होगा। एंड इसका जो साइज है इसको आपको अपने हिसाब से यहाँ पे छोटा कर लेंगे। इतना करने के बाद गाइज सिंपली आपको इसको कर लेना होगा यहाँ पे डन। डन करने के बाद आपको अगेन यहाँ पे स्टिकर वाले आइकन पे चले जाना होगा। गाइज जाने के बाद आपको यहाँ पे ऊपर का सर्च करना होगा वाइट फ्लेयर। सो जैसे यहाँ पे आपको देख सकते हैं गाइज आपके यहाँ पे वाइट फ्लेयर आ चुका है। आने के बाद आपको कोई सा भी एक वाइट फ्लेयर को आप सिलेक्ट कर लेना होगा जो भी आपको बेटर लगे। सो इतना जाने के बाद गाइज आपको करना होगा यहाँ पे ब्रांडिंग वाले आइकन पे चले जाना होगा। इसको भी हम लोग कर लेना होगा क्या स्क्रीन। जैसे आप इतना करते हैं गाइज आपको क्या करना होगा, इसको यहाँ पे कुछ इस टाइप से अपने यहाँ पे आसमान के साइड में लेके जाना होगा किनारे साइड। देन इसकी जो कैपेसिटी है, कैपेसिटी को यहाँ पे आपको कर लेना होगा 70। जैसे आप इतना करते हैं गाइज आप लोग देख सकते हैं हमारी फोटो यहाँ पे एडिट हो चुकी है। लेकिन आप इसको थोड़ा सा जूम करिए, देखिए कितनी ज़्यादा यहाँ पे ख़राब क्वालिटी है हमारी फोटो की। इस क्वालिटी को आपको जानना पड़ेगा कि इसको कैसे सही करें, इसको हाई क्वालिटी का कैसे बनाएं। तो इतना करने के लिए गाइज आपको क्या करना होगा, सिंपली सबसे आगे आ जाना होगा। अगेन यहाँ पे टूल्स पे क्लिक कर लेंगे। जैसे गाइज आप लोग टूल्स पे जाते हैं आपको यहाँ पे एनहेंस का एक ऑप्शन मिल जाएगा AI। सिंपली आपको इस पर क्लिक कर लेंगे और थोड़ी देर यहाँ पे आपको वेट कर लेना होगा। सो गाइज जैसे कि देख सकते हैं हमारी फोटो यहाँ पे एनहेंस हो चुकी है। बिफोर आप लोग देख लीजिए, देन आफ्टर आप लोग देख लीजिए कितनी यहाँ पे कमाल की यहाँ पे फोटो आपकी हो गई है यहाँ पे फुल क्वालिटी की। आपकी देखिए क्वालिटी कितनी ज़्यादा यहाँ पे बढ़ गई है आपकी फोटो की बिफोर एंड आफ्टर। इतना हो जाने के बाद गाइज आपको सिंपली करना क्या होगा, यहाँ पे आपकी फोटो को यहाँ पे सेव कर लेना होगा। सेव करने के लिए आपको ऊपर साइड है यहाँ पे एक ऑप्शन मिल जाएगा, आप यहाँ से भी सेव कर सकते हैं। अगर आप यहाँ पे अगर सही नहीं लगता आपको यहाँ पे क्वालिटी थोड़ा सा कम हो जाएगी सेव होने में, तो इसको सेव करने के सिंपली आपको यहाँ पे ड्रा टूल्स पे चले जाना होगा। ड्रा टूल्स पे जाने के बाद गाइज आपको यहाँ पे ऊपर साइड एक ऑप्शन मिलेगा थ्री डॉट का, सिंपली आपको इस पर क्लिक करके यहाँ पे सेव टू इमेज कर लेंगे। जैसे गाइज इतना करते हैं आपकी फोटो यहाँ पे आपकी गैलरी में इजीली सेव हो जाएगी। तो आपको भाई ऐसी कुछ भाई को ऐसे सपोर्ट करते रहिए। आप लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक लव यू, टाटा बाय बाय।